श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनाऊ रघुवर विमल अस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसों सुर भूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बालाजी महाराज की जय हो उमापति महादेव की जय हो बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। रामायण पाठ के अनुष्ठान वह श्री बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें एवं अन्य किसी जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए या अपना इस दिव्य अनुष्ठान में योगदान देने के लिए हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 90 34 64 44 37 पर भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्म दिया था बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। प्रातिकाले उठ के रघुनाता माते पिता गुरु ना वही माता आयुष मांग कर ही पुरु का जा देख चरते हर सही माने राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः उठकर माता पिता और गुरु के चरणों में मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनई अज निर्गुण नाम नैरूप भगत ही तू नाना विद करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्व्य इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ने नाम है ने रूप नहीं भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा में गाई आगली कथा सुनऊ मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुब आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान का अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो।
ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। जय है जप जाग्य जोगे मोने करही अत मारी चे सुभा रही देखत जाग्य निसाचर धावई करही उपद्रव मोने दोके पावई। जहां वह मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख कष्ट पाते थे। गदा गादी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरई ने निश्चरे पापी तब मुनि मन की ही नहीं बेचारा प्रभु अवे तरहु हरन मही बारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि यह पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूं मिस देह को पदे जाई करी बिनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण एना सो प्रभु मैं दे कप भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। यह जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूं। बहु विध करत मनोरथ जाते लागे नहीं बार करी महंजन सरहूं जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जान में देर न लगी सरयू जी के जल में स्नान करके वह राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुन आगे मन सुना सब राजा मिलन गयो लह बेप्रे समाजा कर दंड मत मुन ही समानी निज आसन बैठा नहीं ज्ञानी। राजा ने जब मुनि को आना सुना तब वह ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार की नहीं अति पूजा मोम समय आजु धान्य नहीं दूजा विविध भात भोजन करे वावा मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई और नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनियों ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुतु चारी राम दे के मुनि दे है बिसारी
भाई मगन देह कत मुख सोवा जन चकोर पूरन ससी लोवा। फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनियों के चरणों पर डाल दिया, उनसे उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर सी बचन के राऊ मुनि अस कृपन की नऊकाऊ कही कारण आगे मन तुम्हारा कहूं सो करत ने लावारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका स्वागत हुआ कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोई मैं जाचन आयो निरपतोई अनुज समेत देहूं रघुनाता निश्चर बद्ध में हो मनाता। मुनि ने कहा, हे राजन राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहूं भूपे मने हरे सित तजहूं मोहे अज्ञान धर्म सोजस प्रभु तुम को नहीं के अति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मन से इनकी दो मोह और आज्ञा को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कांप मुख दूत कुसुलानी चौते पन पायो सुत चारी बे प्रवचन नहीं के हूं बिचारी। इस अतंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख को कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगूं भूमि धैनु धन कोसा सर्व से देहूं आज से रोसा देह प्राण ते प्रिय कचुनाई सो मुने देहूं निमिष एक माही। हे मुनि आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्व सब दे दूंगा। ध्येय और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही
राम देते नहीं बनहिं गोसाई, कह निश्चर अति घोर कटोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुन निरपग्रह प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विदु समुजावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दोहु तने बोलाए, हृदय लाई बहु भात सिकाए, मेरे प्राण नात सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपर सही सुत बहु विद दे आशीष, जानी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके सिरनों में सिर नवा कर चले। पुर सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अकेले विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनियों के वह हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वह कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी वही हैं। अरुण नैन और भाऊ विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटी पट पीत कसे वर वाहता, रुचिर चाप सायक दो हाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और ताप बल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमश सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिध पाई, प्रभु ब्राह्मण देव से जाना, मोहिनी ते पिता ता जाऊं भगवाना। श्यामा और गौरवरण के दोनों भाई परम सुंदर हैं,
विश्वामित्र जी को मान निधि प्राप्त हो गई है। वह सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मा नंद देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुन दी नहीं दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध कर धाई। एक ही वान प्राण हर लीना, दीन जान तही नज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को देखा लाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ पड़ी। श्री राम जी ने एक ही वान से उसके प्राणों का हरण कर लिया। दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि ने जेना तही जिए ची नहीं, विधान देखूं विद्या दी नहीं। जाते लागे ने चौदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि ने विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश होवे। आयुध सारवे समर पी के प्रभु ने जे आसे रामे आनी, कांदे मूले पल भोजन दी नहीं, भक्ति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समापन करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितो जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे और हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए या अपने सहयोग देने हेतु हमारे मोबाइल नंबर 90 34 46 37 पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं।